गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पढ़ने से पहले आप लोग अपने माइंड को रिवाइंड करिए। क्लास इलेवेंथ में ग्रेविटेशन चैप्टर में आप लोगों ने न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था, और न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ में ये बताया गया था कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उनके मासेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट था, और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट था। ठीक है, और बेसिकली जो ग्रेविटेशन लॉ था वो केवल और केवल अट्रैक्टिव फोर्स था। कैसा था? अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन हम यहाँ पे कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, और कूलम्स लॉ बेसिकली ये चार्ज डिपेंडेंट होता है, और चार्ज होने के कारण इनमें अगर लाइक चार्जेस होंगे तो उनमें रिपल्शन होगा, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग कूलम्स लॉ, लेट्स मूव। सबसे पहले तो मैं कूलम्ब का स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ आप लोग को। दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन इंग्लिश, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दियर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि Q1 और Q2 के दो चार्जेस हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है? स्मॉल r। ठीक है, फिगर ए में देखिए आपको अपोजिट चार्ज दिखाई दे रहे होंगे प्लस और माइनस के। तो ये जब अपोजिट चार्ज होते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। और जब लाइक चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में क्या होने लगता है? रिपल्शन, जो कि हमने फिगर टू द्वारा रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए कूलम्ब ने क्या बताया था कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा? दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा। देखिए वन, और सेकेंड देखिए दोनों जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन कर दिया तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए हमें एक कॉन्स्टेंट के की वैल्यू को यूज़ करना पड़ेगा। अब ये जो कॉन्स्टेंट के है उस k की वैल्यू होगी k इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। हियर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 8.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम्ब्स स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो f का फॉर्मूला हो जाएगा f इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है। तो इसकी पहली लिमिटेशंस ये है कि हमारे पास कैसे चार्जेस होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस। और दूसरा है कि दोनों जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो दोनों कैसे होने चाहिए? स्टेशनरी। बिकॉज कूलम्ब्स लॉ किस में एप्लीकेबल है? स्टैटिक चार्जेस में। मतलब दोनों चार्ज जब तक स्टैटिक हैं तभी तक कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, मेरे को मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा आंसर। ओके, टेक केयर।